अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद वैश शमसी, जो कि टेक्नोलॉजी इरा के प्लेटफॉर्म से आपके लिए लाया हूं एक न्यू अर्निंग मेथड की वीडियो। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे कमिट किया था कि मैं मरकज़ ऐप के ऊपर अगेन एक वीडियो बनाऊँगा, उसका सेकेंड पार्ट भी लेकर आऊँगा, उसको हम अगेन एक्सप्लोर करेंगे कि हम उससे मज़ीद किस तरीके से हम अपनी अर्निंग्स वगैरह कर सकते हैं। तो अब मैं वो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए, बग़ैर टाइम ज़ाय किए हम आपके लिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस तरीके से हम अपनी मरकज़ ऐप को अगेन ओपन कर लेंगे। जैसा कि मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको किस तरीके से इसको एक्सप्लोर करना है, और फिर मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था इसका, छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि आपको इस तरीके से इसको ओपन कर लेना है। आपको प्ले स्टोर में जाके आपने सर्च बार में जाके आपने टाइप करना है मरकज़ ऐप, और उस तरीके से आपने डाउनलोड कर लेना है। तो अब मैं आपको इसको मज़ीद इसकी कैटेगरीज़ को एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि कैटेगरी, ये होम का ऑप्शन है, फिर कैटेगरी का है, फिर ऑर्डर्स का है, फिर शेयर्स का है, फिर प्रोफाइल का है। तो हम सबसे पहले तो कैटेगरी के ऑप्शन पे चले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी कितनी कैटेगरीज़ हैं। इसमें वुमेन के लिए अलग कैटेगरी है, मेंस के लिए अलग कैटेगरी है। अच्छा, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, इसमें जो हैं वो मेंस गारमेंट्स हैं, एसेसरीज़ हैं, डिफरेंट इसके अंदर कैटेगरीज़ हैं। इसके अंदर जो है वो बैग्स हैं, वुमेन शॉल्स हैं, शूज़ हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सबसे बेस्ट इसके अंदर जो कैटेगरी है वो इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़ हैं और गैजेट्स हैं। अच्छा, कैटेगरी की सिलेक्शन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिसको आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हुए कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, क्योंकि कैटेगरी ही पे आपने काम करना है और कैटेगरी से ही आपको अपनी सेल्स जनरेट करनी है। और ये वीडियो उनके लिए बहुत स्पेशल होने जा रही है जो कि स्टूडेंट्स हैं और जो कि घर से काम करना चाहते हों, और अपने सबसे इसमें स्पेशल ये कि जो कि अपने एंड्रॉयड से, अपने फ़ोन से अर्निंग्स करना चाहते हों, इस ऐप से ज़्यादा अर्निंग्स लेना चाहते हों, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक रहें और एक एक चीज़ को आप ठीक तरीके से अंडरस्टैंड करें, कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये हेडफोन है, जो कैटेगरी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरी है मेन कैटेगरी, और इसकी सब कैटेगरी जो है वो हेडफोन्स हैं। इसके अंदर आप देखें मुख्तलिफ़ इसके अंदर स्मार्ट वॉचेज़ हैं, स्पीकर्स हैं, इसके अंदर चार्जर्स हैं, पावर बैंक है, मुख्तलिफ़ इसके अंदर कैटेगरीज़ हैं। तो हम कोई भी एक कैटेगरी को यहाँ से पिक कर लेते हैं। लेट सपोज़ कि हम यहाँ से स्मार्ट वॉच पिक कर लेते हैं, राइट। हमने यहाँ से स्मार्ट वॉच पिक कर ली। अब स्मार्ट वॉच में भी हमें देखना है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ है रेटिंग। हमने रेटिंग को चेक कर लेना है कि हमने यहाँ से स्मार्ट वॉच को हमने पिक किया, हमने रेटिंग को चेक कर लेना है कि किसकी सबसे ज़्यादा रेटिंग है। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं 5.0 है, ये 4.8 की रेटिंग दे रहा है, ये 4.6 की रेटिंग है। इसी तरीके से जो W26 प्लस स्मार्ट वॉच कलेक्शन है उसकी 4.1 की रेटिंग है, 5.0 की रेटिंग है। रेटिंग जितनी हाई होगी उतने चांसेस सेल्स के हिट होने के ज़्यादा होंगे। तो अब मैं आपको एक किसी भी एक रैंडमली एक कैटेगरी के ऊपर मैं आपको जो है वो रिव्यू दे देता हूँ। जैसे कि ये स्मार्ट बैंड कलेक्शन है, ये स्मार्ट बैंड है, बेसिकली एक स्मार्ट वॉच होती है। अच्छा, स्मार्ट बैंड और स्मार्ट वॉच के अंदर डिफरेंस सिर्फ यही है, वर्किंग तो दोनों की सेम है, फंक्शन तो दोनों का सेम है, लेकिन बैंड और वॉच के अंदर फ़र्क ये कि वॉच का जो वॉच का जो मतलब वो होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, और बैंड बेसिकली क्योंकि उसके नाम से क्योंकि जाहिर है कि ये बैंड है, स्मार्ट बैंड है, कि आप इसको बैंड की तरह हाथ पे आप इसको जो है वो उसकी आप इसकी ग्रिप इजीली कर सकते हैं। तो बस ये इसके अंदर डिफरेंस है और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखें कि इस बैंड की जो रेटिंग है बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम बैंड को एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने यहाँ से इसको शेयर के ऑप्शन पर जाना है, राइट। हमने इस शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, हम यहाँ से शेयर करेंगे। अगेन इसके बाद हम फेसबुक पे जाएंगे, लेकिन फेसबुक पे जाने से पहले मैं आपको अगेन एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने इसको करना किस तरीके से। सबसे पहले हम फेसबुक पे जाएंगे, ठीक है। फेसबुक से हम फेसबुक के मेन्यू में जाएंगे, और मेन्यू में जाके हम पेज पे जाएंगे। हमने यहाँ पे बेसिकली एक फेसबुक का पेज क्रिएट करना है, जो कि मैं आपको जल्दी से क्रिएट करके बता देता हूँ। हम यहाँ से इसको करेंगे क्रिएट। बेसिकली ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए जो था आपको समझाने के लिए मैंने ये पेज क्रिएट करके रखा हुआ था, लेकिन मैं अगेन एक जो है फेसबुक पेज क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से हमने। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट्स द नेम ऑफ़ योर पेज, यानी कि आपके पेज का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। आप याद रखें,
यहाँ पे आपने कोई भी ऐसा वर्ड नहीं डालना कि जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑनलाइन ऑनलाइन फ्री सेल। बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं कि गलती कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे इस तरह की वर्डिंग डाल देते हैं, इस तरह का कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो उस पर फेसबुक जो है ना, फिर जब आप आगे जाते हैं और जब वो पूछता है आपकी कैटेगरी, तो आपने कैटेगरी को लेट सपोज़ कुछ भी आपने कैटेगरी कोई भी आपने रख ली, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ही चलें आपने रख ली, मैं आपको रेलिवेंट करके बता देता हूँ, तो फेसबुक जो है ना बेसिकली हमें दे देता है समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज़ ट्राई अगेन, हमें फेसबुक एरर दे देता है। तो यहाँ पे आपने ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है, आपने यहाँ पे अपना बिज़नेस कोई नेम अच्छा सा आपने सोच लेना है। आप जैसे कि मैं यहाँ पे एक बिज़नेस नेम दे देता हूँ, ए डॉट एंटरप्राइजेस, ये कोई भी हम बिज़नेस नेम दे देता हूँ, हम ये भी लिख सकते हैं, ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हम यहाँ पे कोई भी जो है वो बिज़नेस नेम लिख देते हैं, लाइक हम यहाँ पे सर्विसेज लिख देते हैं, लाइक हम यहाँ पे सर्विसेज लिख देते हैं और हम इसको नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑलरेडी जो है हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम एक और दो और तीन, तीन भी हम यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो तीन जो है वो हम तीन भी इसके अंदर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तीन कैटेगरी को भी हम यहाँ पे उठा सकते हैं। अब देखें ये आगे इस तरीके से बढ़ जाता है, क्योंकि ये मैं पेज की पूरी आपको जो है आपने यहाँ पे अपना, अगर कोई वेबसाइट है तो आप दे दें, आपकी कोई वेबसाइट है तो वेल एंड गुड, आपकी कोई वेबसाइट नहीं है तो अपने यूट्यूब चैनल का लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पे सिंपली लोकेशन में अपनी आपकी जो सिटी है आप उसका नाम सिंपली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरी सिटी में कोई भी एक आपको सिंपली करके बता देता हूँ, लाहौर लिख देता हूँ, और सिटी टाउन यानी कि उस सिटी के आप किस एरिए में आपकी रेजिडेंस है और उसका जिप कोड आप यहाँ पे लिख के इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पेज क्रिएट हो जाएगा, फेसबुक आपका पेज क्रिएट कर देगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी आपको समझाने के लिए और बताने के लिए यहाँ पे पेज ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखा हुआ था। इस तरीके से आप इसको जो है वो अच्छा, यहाँ पे फेसबुक देता है आपको इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप्स, या आपको फेसबुक कुछ स्टेप्स बताता है कि आप जो है वो कुछ आपको स्टेप्स देता है कि आप स्टेप्स लें, वो उसमें फ़र्दर फिर एक्सप्लोर आपको करना पड़ेगा कि उसमें आपको अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। तो एनीवेज़ मैं आपको बहुत शॉर्ट बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से अपना फेसबुक पेज बना के आप उस पर कैटेगरी की कोई भी कैटेगरी आप यहाँ से उठा के कोई भी कैटेगरी, सपोज़ जैसे कि मैं आपको स्मार्ट बैंड का बता रहा था, स्मार्ट बैंड का, कि आप ये आपने सिर्फ रेटिंग देखनी है कि इसकी रेटिंग किस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा, आपने पहले जो है वो मेन उसमें जाना है, कैटेगरी में जाना है, उसकी सब कैटेगरी में जाना है, और फिर वहाँ पे जाके अपने अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट एक्सप्लोर करनी है। लेकिन आपने देखना ये कि जो है वो रेटिंग किसकी सबसे ज़्यादा हाई है, तो जिसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा हाई है आपने शेयर के ऑप्शन पर जाना है। ठीक है, इस तरीके से मैं अगेन आपको करके बता देता हूँ, आप शेयर करें और अगेन आपने जो है फिर फेसबुक पर जाना है। ठीक है, इस तरीके से आप फेसबुक पे जाएंगे, अगेन फिर आपसे ये पूछ रहा है कि आपने इसको पोस्ट कहाँ पे करना है, इस पोस्ट को तो आप इसको जो है वो ऑन अ फ्रेंड्स टाइमलाइन के अंदर भी शेयर कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर भी आपने अगर कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो आप किसी ग्रुप के अंदर भी आप इसको जो है वो शेयर कर सकते हैं, और डिफरेंट आपको जो है ना फेसबुक ऑप्शन खुद से दे देता है कि आपने इसको शेयर किस तरीके से करना है अपनी इस ऐड को, तो इस तरीके से आप इसको शेयर कर सकते हैं। अच्छा, आप इसको जो है वो इंस्टाग्राम पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें, अगर आपका अकाउंट इंस्टाग्राम पे है तो आप इसको इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं बहुत इजीली। तो डिफरेंट जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपने ऐड को शेयर करके इससे अर्निंग्स ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो इस ऑनलाइन अर्निंग मेथड के हवाले से बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत यूज़फुल रही होगी आपके लिए। आपसे एक छोटी सी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, वीडियो ख़त्म करने से पहले एंड करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें टेक्नोलॉजी एरा को, और टेक्नोलॉजी एरा के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद अवैध शमसी को इजाज़त दें। थैंक यू सो मच, मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए कुछ न्यू अर्निंग मेथड की वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। थैंक यू।